नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अचानक से चर्चाओं में आए दानिश कनेरिया की सबसे साधारण पहचान तो यही है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी असाधारण पहचान इस बात से थी कि वो हिंदू हैं। वैसे तो कोई भी कलाकार या खिलाड़ी अपने देश के लिए कला दिखाते हैं या खेलते हैं, लेकिन दानिश कनेरिया को इसलिए टारगेट पर रखा जाता था क्योंकि वो हिंदू हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि इस बात का खुलासा पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने किया है। उनका नाम है शोएब अख्तर। जैसे ही अख्तर ने कनेरिया को लेकर खुलासा किया, उसके बाद से भूचाल मचा हुआ है। असल में दानिश कनेरिया के पूर्वज भारत से हैं और उनके पूर्वजों का संबंध गुजरात के सूरत से रहा है। कनेरिया का जन्म साल 1980 के 16 दिसंबर को हुआ है, लेकिन माता पिता पाकिस्तान जाकर बस गए, इसलिए दानिश का पालन पोषण वहीं हुआ। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे दानिश को क्रिकेट से लगाव होता गया, दानिश क्रिकेट में ही करियर बनाने की बात सोचने लगे। ये सच है कि शुरू में भी पाकिस्तानी टीम में उन्हें अपना स्थान पक्का करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उस वक्त में दानिश को राशिद लतीफ की ओर से भरपूर सहयोग मिला और उन्होंने कनेरिया के क्रिकेटिंग करियर में बड़ा रोल अदा किया। कनेरिया ने साल 2000 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी की। इसमें कोई दो राय नहीं कि कनेरिया बेहतरीन स्पिनर रहे और पाकिस्तान के लिए 10 साल तक क्रिकेट खेला। उन्होंने टेस्ट करियर में 261 विकेट लिए, जो पाकिस्तान की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट है। बाद में कनेरिया दोषी भी पाए गए और मैच फिक्सिंग के आरोप में जीवन भर के लिए प्रतिबंधित हो गए। इसी के साथ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने वाले दूसरे हिंदू क्रिकेटर का करियर यही खत्म हो गया। शोएब अख्तर ने जो पहली बार कनेरिया को लेकर सार्वजनिक बयान दिया है, उसके बाद से इस पर घमासान मचा हुआ है। खुद कनेरिया ने कहा है कि ये बिल्कुल सच है। अख्तर ने जो जो कहा है वो पूरी तरीके से सच है। इससे पहले शोएब अख्तर ने कहा कि कई बार उन्होंने अपने टीम के खिलाड़ियों को काफी समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। अख्तर ने कहा कि जो खिलाड़ी आपको मैच जिता रहा है, सीरीज जिता रहा है, विरोधी टीम के 6-6 खिलाड़ियों को आउट कर रहा है, उसके साथ हिंदू मुसलमान क्यों? अब जब बात काफी हद तक बढ़ गई है तो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक में इस पर बवाल मचा हुआ है। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। खुद कनेरिया का कहना है कि जिन खिलाड़ियों ने उनके साथ ड्रेसिंग रूम में भेदभाव किया, उनके नामों का खुलासा जल्द ही करूंगा।